नमस्कार, बीसी और सिटी न्यूज के तमाम दर्शकों का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। चर्चाओं का दौर आप इन दोनों चैनलों पर लगातार देखते आ रहे हैं। इसी एक तरह की एक चर्चा को लेकर आज हम हमारे आपके सामने हैं और आज की चर्चा का विषय है कोरोना के बढ़ते आंकड़े और सरकार की चुप्पी। जी हाँ, जिस तरह से कोरोना के आंकड़े दिन ब दिन पूरे देश में बढ़ते रहे हैं और सरकार की तरफ से इस पर कोई ऐसी विशेष टिप्पणियां नहीं हो रही, तो इस पर चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है। आज इस चर्चा में हमारे साथ में शामिल है नागपुर से अविनाश जी ठाकरे, इनका मैं स्वागत करता हूं। आप भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ में है राष्ट्रवादी कांग्रेस से शब्बीर विद्रोही जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे साथ में है आरिज बेग साहब जो कि यवतमाल से है, आप कांग्रेस पार्टी के गठन नेता है, आर्णी नगर परिषद से महासचिव है, आप महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस के। और हमारे साथ में सिटी न्यूज के सर्वे सर्वा चंद्र चंदू जी सोजातिया जी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और सीधा मैं चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं अविनाश जी आपसे। आंकड़े बढ़ रहे हैं और एक खामोशी छाई हुई है, सर क्यों? आपके चैनल पे इसके पहले भी मैं लाइव आया था, तब मैंने कहा जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो प्रिकॉशन लेते हुए दिख नहीं रही है। अभी जो लोग सामने आ रहे हैं वो माइग्रेंट्स, मैक्सिमम लोग माइग्रेंट्स है उसमें के, और वो माइग्रेंट होम क्वारंटाइन है। अब होम क्वारंटाइन होते हुए भी कई लोग ऐसे हैं जो बाहर भी घूम रहे हैं जी, और उन वो जो मुंबई या कहीं और से भी, हम किसी शहर का नाम लेना ठीक नहीं, जो माइग्रेंट्स आए हैं वो और उनके संपर्क में आए हुए जो लोग है वो हमें ज्यादातर अभी जो है वो पेशेंट नजर आ रहे है। तो मुझे, मैं पहले ही कह चुका था कि जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन ही करना चाहिए, उन्हें होम क्वारंटाइन नहीं, उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन ही करना चाहिए, ताकि बड़े सिटी में, छोटे सिटी में तो हो रहा है कोई, मतलब छोटे गांव में तो हो रहा है, बट सिटीज में वो दिख नहीं रहा, उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। होम क्वारंटाइन होने के बाद में फिर उनके परिवार के संपर्क में आते हैं वो, अगर वो खुद भी होम क्वारंटाइन रहते लेकिन उनके परिवार वाले जो है वो बाहर में घूमते हैं। जैसा अभी मेरे घर के पास में एक केस आई है, तो तमिलनाडु से वो लेडी आई थी और वो लेडी होम क्वारंटाइन थी, बट उसकी जो हस्बैंड है वो बाहर घूम रहे थे। तो अगर इस तरीके से व्यवहार रहा तो ऑटोमेटिकली उसका प्रचार और प्रसार होने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फंक्शंस पे कंट्रोल करना चाहिए जो नहीं दिख रहा है अभी। आप नागरिकों के फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं? मैं सभी फंक्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर नागरिक को भी फंक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन की भी फंक्शन जो है सबकी बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि अभी जो कुछ बड़े लोगों को जो कोरोना पॉजिटिव आए है उनका अगर हम हिस्ट्री जो सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से जो आ रही है, तो वो किसी बर्थडे पार्टी में कोई गए हुए, कोई किसी पार्टी में गए और वहां से कोरोना का फैला हुआ है। तो भीड़ वाली जगह पे इकट्ठा न होना ये सबसे बड़ी जो बात है, उसका वो जो है उसकी तरफ पालन नहीं किया गया। हाँ, उसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो इस वजह से कोरोना बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट की तो है ही, साथ में जो सिटीजन है उनकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके बारे में। जी अविनाश जी, आपने जो बात कही इसके जो इसके ये भी है कि बात इतनी ऑन एयर जाने से पहले चंदू सर ने भी वही बोला था कि हम लॉकडाउन में या अनलॉक में है, तो लॉकडाउन में तो हम है ही 31 जुलाई तक, लेकिन वो लॉकडाउन का पालन ही नहीं हो रहा। नहीं, बात जो है कि लॉकडाउन में है, बट लॉकडाउन कहाँ पर स्ट्रिक्ट है, जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर लॉकडाउन स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, लेकिन जो नॉन कंटेनमेंट जोन है वहां पर लॉकडाउन का जो पालन है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा। पहले जब एक्चुअल लॉकडाउन था तब पुलिस की गाड़ियां हर दुकान के सामने जाती थी, पुलिस कर्मी जाते थे, लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट होता था, कहा जाता था यहाँ पर भीड़ है। अभी कुछ हद तक सख्ती भी बरतनी पड़ी थी और बरती जा रही थी। अभी कुछ भी नहीं दिख रहा, अभी ऑटो में एक ही आदमी को जाना अलाउड है, दो दो आदमी जा रहे हैं, गाड़ी में फोर व्हीलर में दो ही आदमी, एक ड्राइवर उसके बगल में, मतलब दो या तीन लोग जो भी है उससे ज्यादा लोग दिख रहे हैं ट्रैफिक में। हाँ, टू व्हीलर पे भी एक्सेस है। अविनाश जी, ये अविनाश जी, इन सब चीजों को कंट्रोल कौन करेगा? इस चीज के लिए सरकार है, सरकार का इसके और क्या प्रयास जाता है? सरकार कोई भी, मैं कोई अभी पार्टी की बात नहीं की, बात सरकार की प्रशासन की कर रहा हूँ, ये सारे चीजों का अनुपालन कराना पड़ता है कहीं पे भी। यदि आप कह दोगे कि हमने नियम लागू कर दिया, नियम तो लागू होने से जनता तो आसानी से मानती नहीं। आप जो भीड़ और पार्टी की बात कर रहे, तो भीड़ से कोरोना कहीं सुरक्षित भीड़ से कोरोना नहीं होता। जहां भीड़ में, जैसे पार्टी की आपने बात की थी, पार्टी में सुरक्षा नाम की चीज कहीं नहीं रहती, कोई मास्क लगा के नहीं रहता,
नॉर्मल बाहर की भीड़ यदि आप मॉल्स की भीड़ बोलोगे, बाजार की भीड़ बोलोगे, बाजार की भीड़ और मॉल की भीड़ में कहीं कोरोना होते हुए नहीं दिखता है। कोरोना जहाँ शादी पार्टी, हमारे अभी शादी में से आया 25 लोग कोरोना से पॉजिटिव हो गए, कई प्रोग्राम में से आया 25 लोग कोरोना से पॉजिटिव हो गए, बाहर गांव से कोई आया हुआ, क्योंकि ग्रामीण में पहले, इससे पहले हम जब बात करें ग्रामीण में कोरोना नहीं था, अब लगातार ग्रामीण में कोरोना फैलते जा रहा है ग्रामीण में। और पहले एक पर्टिकुलर एरिया, हम पर्टिकुलर एरिया ले, जैसे नागपुर का सतरंजीपुरा ले लो, हमारे यहाँ का मसानगंज ले लो, कि यहीं से, अब इसमें एरिया का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, कहीं से भी बाहर आ सकता है। तो ऐसे में जिम्मेदारी नागरिक की तो है ही, लेकिन कुछ नागरिकों के कारण बाकी 90% नागरिकों को भुगतना पड़ता है। मात्र आपको 5-7%, 10% कंट्रोल करना पड़ता है नागरिकों की, जहाँ करना है पुलिस और प्रशासन वहाँ कंट्रोल नहीं करता। ऑलरेडी जो अनुपालन करते हैं उसकी मानते हैं, उस तरफ पुलिस की शक्ति ज़्यादा होती। कई ऐसे एरिया है जहाँ लोग पालन नहीं करते। आज भी मैं मेरे कुछ दोस्त लोगों का कोरोना हो गया था, एक हॉस्पिटल में जा रहा था, उस हॉस्पिटल से जो एरिया चालू होता है वहाँ मास्क वाला ढूंढना मुझे मुश्किल हो जाता है, वहाँ कोई कंट्रोल नहीं है। वो बोलते हमको तो कोरोना होता ही नहीं, हमको कोरोना था। ये भावना लोगों के मन में जो बैठी हुई कि हमको कोरोना नहीं होता, इसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए प्रशासनिक के बताए सामाजिक व्यवस्था ज्यादा जरूरी होनी चाहिए, समाज के लोगों को अपने साथ में लेना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को साथ में लेना चाहिए, डॉक्टरों को साथ में लेना चाहिए। ये सारी चीजें जो इसको कंट्रोल कर सकती है, वो छोड़ के आप सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के बारे में पूरे कोरोना को कंट्रोल कर रहे, कैसे होगा ये? ठीक है चंदू जी, आपके जो इसका सवाल का जवाब भी हम अविनाश सर से लेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आरिज सर से भी पूछना चाहूंगा। सर, आप यवतमाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कैसे वहां की प्रशासनिक व्यवस्था और लोगों का प्रतिसाद और बढ़ते आंकड़े, क्या कहेंगे सर? नमस्ते, पहले तो मैं आपका शुक्रिया जी, स्वागत है सर। सर, यवतमाल का अगर आप बोला जाए तो यवतमाल में तो एक समय ऐसा आया था कि पेशेंट बहुत बढ़ गए थे, फिर उसके बाद काफ़ी कंट्रोल भी हुआ था, लेकिन फिर से अभी जो है तो अभी पेशेंट फिर से बढ़े हुए 100 के पार जा चुके हैं। और लॉकडाउन में भी यवतमाल में चेंज हुआ है, पहले जो 9 बजे से 7 बजे तक का समय था उसको अभी रिड्यूस करने का हो रहा है, कि वो 1 बजे तक वगैरह दुकानें खुली रही है। हमारे आदरणीय जिलाधिकारी और आदरणीय पालक मंत्री इसमें रोज मीटिंग कर रहे हैं और जो भी हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन यवतमाल हो, नागपुर हो, कहीं भी हो, मेरा अभी अविनाश जी भी बोल रहे थे जब मैं सुन रहा था कि सरकार का जो है, केंद्र सरकार का विषय हो या फिर जब भी ये कोरोना शुरू हुआ तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि केंद्र सरकार ने जो इसमें प्रतिक्रिया दी, इसमें बहुत देरी हुई, बहुत विलम्ब हुआ प्रतिक्रिया देने में। केंद्र सरकार की नाकामयाबी की वजह से, केंद्र सरकार की हलगर्जीपना की वजह से कोरोना हमारे देश में बढ़ा, इसमें कोई संदेह मेरे मन में नहीं। दिसंबर में, जनवरी में पूरे देश में बढ़ गया, पूरी दुनिया में कोरोना बढ़ गया था, कि 30 जनवरी को WHO ने पूरे दुनिया में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, 31 जनवरी को पहला पेशेंट भी इंडिया में मिल गया था, लेकिन उसके बाद जो सर ये आरिज जी, मैं आपको इसलिए रोकूंगा क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और अपने ये जिम्मेदारी पे हमारी काफी बातें हो चुकी है, चलिए मान लेते थोड़ी देर के लिए। यहाँ तक इसीलिए पहुंच रहा हूँ कि ये विदेश से आया हुआ, ये यवतमाल तक, आर्मी तक, ये गैर जिम्मेदारी जब जो दिखाई गई उसी की वजह से यहाँ तक पहुंचा है। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आपको कि जब कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। अब तो नागरिक को सपोर्ट कर ही रहे, सरकार भी अब अच्छा कर रही है, लेकिन लेट हो गया ये मुझे कहना। ठीक है, और अब की परिस्थिति कैसी है? अब प्रशासन के, चलिए जो गलती हो गई गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको डिले कर दिया, अब स्थानीय गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, या नागपुर की बात करें, पूरे महाराष्ट्र की बात करें, पूरे देश की, अब तो यहाँ पर लोकल प्रशासन की भी जो जिम्मेदारी है और लोगों की जो जिम्मेदारी है उसके चलते तो कहीं ना कहीं आंकड़े रुकने चाहिए थे। लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन 5 तक आ गया, फिर अनलॉक हो गया, उसके बावजूद भी आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रशासन तो कर रहा है, डॉक्टर काम कर रहे हैं, नर्सेस काम कर रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, पुलिस वाले भी काम कर रहे हैं। अभी कोरोना सर्विलेंस ये नया था, जिससे हमारे यहाँ पहले यवतमाल सिटी में ही था, लेकिन अब ग्रामीण में भी बढ़ गया है, दिग्रस में हो गया है, दारवा में हो गया है, आर्मी में भी एक पेशेंट मिला है, तो ये बढ़ रहा है। अभी अविनाश जी ने कहा उससे मैं सहमत हूँ कि जो माइग्रेंट्स आए मुंबई पुणे से आए उनकी वजह से भी वो कोरोना ज़्यादा बढ़ा है, या फिर ये हॉस्पिटल से भी, इसका जो हॉस्पिटल इसका एक सेंटर हो गया है, हॉस्पिटल में लोग चेकिंग के लिए जा रहे हैं कोई और बीमारी के लिए, और अगर वो बुजुर्ग है या डायबिटिक वगैरह है तो उनको कोरोना जल्दी हो रहा है, या फिर बच्चे हैं। हमारे यहाँ तो आपको बताओ, 9 महीने के बच्ची को कोरोना हो गया था क्योंकि वो हॉस्पिटल में गई थी। तो ये सब चीज़ें अभी बढ़ तो रही है, लेकिन इसमें जिस तरह का 90% लोग जो है वो प्रिकॉशन ले रहे हैं, 80% लोग ले रहे हैं, लेकिन 10% लोगों की गलती की वजह से सबको भुगतना पड़ रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं।
ठीक है, बातों बातों में अविनाश सर ने भी कुछ बातें कही थी, मैं उस पर भी आना चाहूंगा, लेकिन इसके पहले शब्बीर सर की भी बात हम सुन लेते हैं। अरे शब्बीर जी, आपने चर्चाएं सुनी, विषय बड़ा गंभीर है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो रहा है कि ये क्या थमेगा कोरोना, और किस तरह से हम इससे निजात पाएंगे, चिंता का विषय। देखिए, पहले तो आपके दर्शकों को और जो चैनल के चर्चा में हैं सबका अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात को बढ़ा दूं। बीती जी ताहि बिसार दे आगे की सुधले, चर्चाओं में ये बात आ चुकी और बहुत बातें हो गई। किसकी गलती क्या गलती, ये बात की बात है। पहले जो बुनियाद टेढ़ी हो जाती है तो इमारत को सीधा करने में बड़ा समय लग जाता है। हमारे जी चंदू भाई जी ने कोरोना के डिस्कशन में 3 बात बहुत पहले कह दिया था। एक बात उन्होंने उस जमाने में कहा था कि जांच आप कितना भी बढ़ा देंगे मगर मौत नहीं बढ़ेगी, जो मौत होनी है वही होगी। तो हमने जांच को कहां तक ले गए उस पर ध्यान दीजिएगा। मौत के आंकड़े अपने जगह पर है, जांच के आंकड़े अपने जगह पर है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा था, याद कीजिएगा, कि न कोरोना से डरना है न कोरोना से लड़ना है, कोरोना को समझकर उसके साथ जीना है। जी। अब एक बात आपके सामने एक बात कह दें, हम किसी की गलतियां गिनाने नहीं बैठे हैं, हम अपने आप को, अपने शहर को, अपने देश को बचाने बैठे हैं और ये सुझाव देने के लिए बैठे हैं कि इस चर्चा के माध्यम से हम जनता में भी किस तरह से स्थिति, सही बात कह रहे हैं आप, किस तरह से हम स्थिति से निपट सकते हैं एक कोऑर्डिनेशन करके। लेकिन जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न पर कोई पहुंचा नहीं, न जी हमारे अविनाश बाबू पहुंचे और न हमारे यावतमाल के दोस्त पहुंचे। आपका प्रश्न है कि कोरोना बढ़ रहा है और सरकार चुप है, जी समझ लीजिएगा। जी तो अब ये प्रश्न कोरोना के बढ़ने का कारण भी हो सकता है और सरकार की चुप्पी क्यों है, ये मेन प्रश्न के तरफ आपका इशारा है। जी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि हम 18 दिन में जीतेंगे, हम 21 दिन में जीतेंगे, हम इतने दिन में जीतेंगे। अब इनके पास बोलने को कुछ नहीं रह गया है कि हम जीतेंगे कि हारेंगे, इसलिए सरकार चुप है। सरकार अपनी जो बातों को कहने के इस्तेमाल की और उन बातों पर वो खरी नहीं उतर पाई, इसलिए सरकार ने अब मौन साधन कर लिया, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है। रह गया ये बात कि सरकार कभी भी ये नहीं बोली कि मैं ये तैयारी कर रही हूं, कर रहा हूं या कर रही हूं, क्योंकि सरकार स्त्रीलिंग पुलिंग में झगड़े में जाएगा, सेंटेंस की तरफ मत जाइएगा। लेकिन ये आप बता दीजिए, सरकार ने कभी भी अपनी योजना को बताई कि हमने क्या किया? हमारे यहाँ वैक्सीन के ढूंढने का काम जब शुरू हुआ तो ये हुआ कि साल भर में होगा और उस पर दबाव डाला गया कि 15 अगस्त तक आए ताकि हम लाल किला से चर्चा करें। देखिए एक बात आपको बता दूं, मन जब आदमी का लगता है तो काम बढ़ता है, और जब मन को आप विचलित करेंगे तो ये नहीं होगा। अभी हमारे एक भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, दोनों लोगों ने कहा कि आने वालों के कारण हुआ। अगर आने वालों के कारण पर हम जाएं तो जहां से आया उस पर जाना पड़ेगा। हम विदेश से जब लाने का काम किए तो हमने एयरपोर्ट का जांच नहीं किया, एयरपोर्ट पर ही अगर हम उसको रोक लिए होते तो शहर तक नहीं जाता, और शहर से हम मजदूरों को अच्छे ढंग से रोक लिए होते तो ये गांव तक नहीं जाता। और अब गांव में जाने के बाद जो मजदूर आ रहे हैं ड्यूटी पर, फिर उनके ऊपर ये बात जा रही है। देखिए मेरा अपना मानना है कि हम सबको अपनी सुरक्षा के बारे में सोच करके, जो भी जिस तरीके से भी बचाव हो, सोशल डिस्टेंसिंग का मामला हो या खान पान के मामले हो या लोगों के सहयोग के मामले हो या लोगों के समझाने का मामला हो, हमें सरकार से और इनसे उम्मीद न रखते हुए हमें अपने तरफ से अपने लोगों को समझा करके बचाने का काम करने का आवश्यकता है। वही हम बात कर रहे हैं सर, कैसे 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 समझाएंगे अविनाश भाऊ, कैसे कैसे समझवाए सर, कैसे समझाएंगे? तो बातें यहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ, थोड़ी सी जो जानकारी जो दी गई है वो थोड़ी गलत दी गई है। देखिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो इशारा, जब जनवरी में पहला पेशेंट निकला जब कहा जाता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले उन 11 देशों की लिस्ट डिक्लेयर की थी कि जहां पे कोरोना का प्रभाव बढ़ चुका है वहां से आने वाले लोगों को रिस्ट्रिक्ट करने के बारे में कहा था। तो 31 जनवरी से वो सब चालू हुआ था अपने यहाँ पर, उस देश से आने वाले लोगों को स्क्रीनिंग करना चालू हुआ था। देखिएगा हमारे यहाँ पे 3 मार्च को पहला पेशेंट जो मिला है यहाँ पर इंडिया, वो केरल वाला जो 31 वाला है वो छोड़ के उसके बाद में 3 मार्च को मिला है, वो सऊदी अरेबिया से आया था, और उस वक्त सऊदी अरेबिया ये उस लिस्ट में नहीं थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी हुई कि जहां पर कोरोना का प्रभाव है, तो इसलिए उन लोगों को चेक नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही
जैसे ही वो बात पता चल गई कि सऊदी अरेबिया में भी अभी कोरोना बढ़ रहा है, वैसे ही उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लिस्ट दी, स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रशासन को लिस्ट दी और डिस्ट्रिक्ट और प्रशासन के माध्यम से उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया चालू हुई। इसलिए कि पहले एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग करना बंद कर दिया, हुआ नहीं इसलिए हुआ, ये गलत है। दूसरी बात यह है कि काफी जगह पे काफी स्टेट ने उनके यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे तो उन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जैसा केरल जैसी स्टेट में, गुजरात जैसी स्टेट ने शुरुआत में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अपनी खुद होके स्क्रीनिंग चालू करा दी थी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को किसी ने रोका नहीं था स्क्रीनिंग चालू करने के लिए। हम लोग तो जब मोदी साहब ने जब लॉकडाउन की घोषणा की, जब पहली बार आए उसके बाद में हमने लॉकडाउन के बारे में सोचा है। हमने तो लोकल भी कई काफी दिनों बाद बंद करी थी, वो अभी इसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। जी नहीं, अभी 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 हमारी भी अभी बेसिक क्या है कि कहा गए हमारे कोविड सेंटर जो 5,000 बेड। आपने जैसे अविनाश भाव आपने कहा था कि जैसे कोई भी बाहर से आता है तो उसका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना चाहिए। एग्जैक्टली होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। और मैं आपको बता दूं कि एक थोड़ा सा लिख के हटके मैं सिर्फ कल का एक हमारा अनुभव शेयर करना चाहता हूं कि नागपुर के एक क्वारंटाइन सेंटर से हमें एक पेशेंट का फोन आया और वो क्वारंटाइन था। उन्होंने हमसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि वहां की व्यवस्था जो है, वहां पर पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद भी और कुछ लोगों को हमारे साथ में रखा गया है, तो ये हमारे लिए बड़े खतरे की बात है। तो जहां पर हम कोरोना के बढ़ते आंकड़े और प्रशासन की चुप्पी की बात कर रहे हैं, इसमें ये एक एग्जांपल मैं इसलिए कोट करना चाह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं आंकड़ों की बढ़ोतरी इसमें से हो सकती है। एग्जैक्टली मैं भी वही कहना चाहता हूं कि प्रशासन कहां पर डिफिटेड है। और हमने उनसे बात भी कही कि वहां पर आपने प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी कोशिशें की, हमने यहाँ से क्वारंटाइन सेंटर से, देखिए क्वारंटाइन सेंटर में जितने भी लोग उनके पास में फोन की सुविधा है, कम्युनिकेशन करने की सुविधा है, उसके बावजूद भी अगर इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है तो ये आंकड़े तो ऐसे लगातार बढ़ते जाएंगे। ज्यादातर लोग क्वारंटाइन सेंटर में से ही पॉजिटिव निकल के आए हैं। अभी तक के जो हम लोग रिकॉर्ड देखे, ज्यादातर लोग क्वारंटाइन सेंटर से ही पॉजिटिव लोग निकल कर आए हैं। जो पहले निकले थे वो सेकंड या थर्ड या फोर्थ फेज में पॉजिटिव निकल के आए। और क्वारंटाइन सेंटर के हमने काफी सारे फोटोज देखे है कि लोग कैसे इकट्ठा हो रहे वहां पर। तो प्रशासन के डिफिट कहां पर है और प्रशासन ने अभी क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी जो लोग बाहर से आए हैं वो होम क्वारंटाइन है, तो उनको इमीडिएट इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन करना चाहिए गवर्नमेंट ने, ताकि जो मतलब इतने में आए हैं ताकि उनका फैलाव ना हो सके। ये बात है। अभी रैपिड टेस्ट अभी चालू हो गया तो अभी उससे काफी सारे रिजल्ट्स भी आ रहे, लेकिन अभी आप देखिए कि रैपिड टेस्ट में जो है टेस्टिंग इतनी ज्यादा बढ़ने के बाद भी उतने लोग हमें जो मतलब कल तो 2200 टेस्टिंग हुई नागपुर में, 2200-2700 के करीब टेस्टिंग हुई और 2700 टेस्टिंग में नागपुर शहर के 45 और नागपुर ग्रामीण रूरल के कुछ तो भी 20-25 लोग मिले हैं। और रैपिड टेस्ट में तो एक ही पेशेंट मिला है अभी। उसमें देखिए कि क्लंच कहां पर है, मतलब जहां पर पेशेंट मिल रहे वो क्लंच कहां पर है। ज्यादातर पेशेंट जो है, जैसा अभी सेंट्रल जेल में इमीडिएट 3 दिन में 273 पेशेंट मिल गए, हमारे सतरंजीपुरा में मिले, हमारे बांग्लादेश में मिले, हमारे मैं नागपुर की बात कर रहा हूँ, दिघोरी में 8-10 पेशेंट हो गए। तो ये जो है वो क्रंच कहां पर है, जो हमारी कंजेस्टेड बस्तियां है, कंजेस्टेड बस्तियों में क्रंच और मैक्सिमम नंबर में मिल रहे। लेकिन जहां पर जो बस्तियां हमारी स्प्रेडर बस्तियां है, वहां पर एक आदमी मिलता है तो उसके बाद कभी पेशेंट ही नहीं मिला, कई ऐसे है। वहां पर एक पेशेंट मिला है शुरुआत में, वो भी सर्विस पे रहने वाला, मतलब जो अपनी सेवाएं दे रहा है, ऐसे पेशेंट मिले हैं। और उसके बाद में वहां पर कोई भी पेशेंट नहीं मिला है पिछले 30-35 दिन में, वहां का कंटेनमेंट जोन हटा दिया। तो हमें किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, हमारी टेस्टिंग कहाँ पर होनी चाहिए? तो हमारी टेस्टिंग जो है वो जो हमारी जो बड़ी ज्यादा लोक संख्या वाली बस्तियां है वहां पर अगर एक भी पेशेंट धारावी पैटर्न की बात करो कि वहां पर अगर डेंस एरिया में एक भी पेशेंट मिलता है तो गवर्नमेंट तुरंत वहां पर रैपिड टेस्ट कैंप चालू कर देने चाहिए। अगर ये भी करते हैं तो भी हमारा उसका बेनिफिट मिलता है। सेकेंड थिंग, अभी थर्मो स्कैनिंग की बात करो, अभी कई सारे मॉल या कई सारे हम अलग जगह पे हम लोग जब जाते हैं तो थर्मल स्कैनिंग नहीं हो रहा है। थर्मल स्कैनिंग होना बहुत जरूरी है क्योंकि कोरोना की जो लक्षण है उसमें उसका टेम्परेचर अगर अबव 100 जाता है तो उसको इमीडिएट हम लोग टेस्टिंग के लिए भेज सकते। कई बैंक्स में अभी भी
कोरोना की थर्मल टेस्टिंग नहीं हो रही। मैं तो कहता हूँ हर हॉस्पिटल में हर आदमी के आते जाते कोरोना ये थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें हम लोग अभी करें और पहले जैसा प्रशासन चुस्ती दिखाए, भीड़ दिखी कि इमीडिएट वार्निंग दी जाए, इमीडिएट पुलिस एक्शन ली जाए। अगर हम लॉकडाउन है लेकिन है कहाँ पे, कहने के लिए, बट वो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे? लॉकडाउन है लेकिन लॉकडाउन के साथ में जो नियमावली है उस नियमावली का कहीं पालन नहीं हो रहा, ना प्रशासन की तरफ से ना लोगों की तरफ से। नहीं, बहुत इजी छोड़ दिया अभी। अब मैं बताया ना शुरुआत में कि जब लॉकडाउन था तो पुलिस वैन घूमती थी और बताती कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा मत होइए, दुकान के सामने आप लाइन से लगिए। अब कहाँ हो रही है? अब एकदम रिलैक्सेशन दी, किसी दुकान के सामने अभी वो राउंड नहीं है, सर्कल नहीं है, कहीं कोई वे नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना बाजार में है ना दुकान में। लोग झुंड में बैठते हैं घर के सामने या बस्ती में झुंड में बैठते हैं। उस दिन मैं एक बस्ती से गुजर रहा था तो 10-12 महिलाएं आपस में गेम खेल रही थी, झुंड में खेल रही थी। ये तो ये पैनल में तमाम जितने भी मौजूद है सभी इस बात से एग्री करेंगे कि हमारे आजू बाजू में बस यही हो रहा है। शब्बीर जी, आप भी इस बात से इत्तफाक रखेंगे? नहीं, देखिए इत्तफाक का कहीं कहीं मैं बातों की बात आती है, कहीं भीड़ मजबूरी की है, कहीं भीड़ मजबूरी। खेलने में कहा कि मजबूरी आ गई सर, घर के सामने चार लोगों के बैठ के। आप दोनों बात को रत्नाकर जी सुनिए, मैंने कहा कि कहीं भीड़ मजबूरी की है, कहीं भीड़ मजबूरी की है। राशन के दुकान पर अगर भीड़ है तो आप ये समझ लीजिए कि वो भीड़ खेल नहीं खेल रहा है, वो मजबूरी की है। लेकिन जो खेल वाली बात है, खेल खेल में ही तो ये सब खेल खेलना पड़ रहा है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरी चीज आप ये समझिए, दुकानें जब खोलने के आदेश हो गए, आप ये समझ लीजिए कि क्यों हुए। आपने देखा दुकानदार आत्महत्या तक पहुंच गए थे, कल जिन्होंने किट बांटा था लोगों को मजबूरी में, वो किट का इंतजार करते हुए आजकल दिखाई दे रहे हैं। वो ये समझे थे कि 2-3 महीने में फिर हो जाएगा, दुकानें खुल जाएंगी, हम कमाने लगेंगे। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे भाई ने कहा कि जहां घनी बस्ती है, सुन लीजिएगा, और झोपड़पट्टी साइड है वहां, और जहां दूर है, दूर दूर है तो वहां तो ऑलरेडी हम, अब मान लीजिए मैं अपने घर की बात कर लो, मेरे घर में 17 आदमी रहने वाले हैं, 19 कमरे हैं, तो आदमी अपने आप अपने में डिस्टेंसिंग कर लेगा, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां एक कमरे में 10 आदमी रह रहा है उसकी डिस्टेंसिंग की व्यवस्था कैसे होगी, ये भी आप सोचिए। और इसीलिए उन्होंने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की बात कही थी ना। जी जी, हम उसके लिए समर्थन करते हैं, लेकिन क्या सरकार का जवाबदारी नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो, हम ये लफ्ज सरकार पर बोल रहे हैं, हम भी यहाँ पर डिस्कशन के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की, हम दोनों सरकार के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। आप बता दीजिए कि जनता के हितों की रक्षा करने की जवाबदारी किसकी है? सरकार की है। और सरकार जब 188 का कानून लगा करके लोगों में ये बातों को लगाने का और डिस्टेंसिंग का, तो ये इसमें कार्रवाई में क्या है? क्या पुलिस वाले जो है आदमी को कोरोना से बचाने के लिए डंडे से मार के मार डाले? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भय और जवाबदारी में अंतर है। भय से किसी को हम नहीं रोक सकते हैं। जिस दिन आदमी अपनी जवाबदारी समझ ले, अपनी जिम्मेवारी समझ ले, अपना नैतिकता को समझ ले, अपने आप को रास्ते पर चला जाएगा। और उसको हर आदमी को जान प्यारी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन जब कोई भूख से मरने की स्थिति में आ रहा है तो उसे बाजार में निकल के जाना पड़ रहा है, हमारे दरवाजे भीख मांगने आते हैं, हमको मजबूरन कहना पड़ता है अरे भाई कोरोना लेकर मत आओ। लेकिन अब उसको देखा गया तो उनको लौटा भी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उसको भी जान प्यारी है। तो देखिए सरकार, सबसे पहला काम है सरकार का कि सर्वे को बढ़िया ढंग से कराए और जरूरतमंद लोगों की सेवाओं के लिए तत्पर रहे, खड़ी रहे, और तब जाकर ये सारी चीज होगा। आप ही को घर बैठे भोजन मिल जाए तो आप जरूरी नहीं है कि सड़क पर घूमने जाएंगे। सड़क पर वो लोग जाते हैं झोपड़पट्टी वाले, सड़क पर उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो खेलते हैं सड़क पर क्रिकेट, वो तो खेलते हैं सड़क पर जाकर के कबड्डी। भाई उनकी व्यवस्था के बारे में और अवस्था के बारे में दोनों में सोचनी पड़ेगी। क्या क्या व्यवस्था, और चलिए फिर अगर ये बढ़ते आंकड़ों के बीच में क्या व्यवस्था का आप सजेशन करते हैं? मैं जी आपके पास जी, जांच को बढ़ा भी लेंगे जांच को बढ़ा भी, लेकिन जैसा कि आपने प्रश्न उठाया कि कोई भिखारी आपके घर के पास आता है तो उसको ज्यादा, उसी तरह से कई लोग ऐसे भी हैं सर कि जिनके पास में वो रोजगार को ढूंढ रहे हैं तो उनको रोजगारी के लिए मजबूरी अनुवश पर उनको भी तो बाहर निकलना पड़ेगा फिर जी। अब मजबूरी को तो समझिए, इसमें दो बातें हैं।
कि देखिए शब्दों के जाल में चर्चाएं बदलना हमें वो फिर विषय भी लंबा हो जाएगा। हम बदल सकते हैं, उसमें कोई नहीं। देखिए राशन के लिए राशन के दुकान पर लाइन नहीं है, किसी दुकान के सामने में लाइन नहीं है। लाइन कहां पर, लाइन कहां, बस्ती बस्ती में जो झुंड से लोग घूम रहे उनको कौन कंट्रोल करेगा? वो प्रशासन कंट्रोल करेगा। दूसरी बात, मैंने क्या कहा कि अगर डेंस बस्ती में अगर एक भी, आगे चल के क्या करना है, तो डेंस बस्ती में अगर एक भी पेशेंट मिलता है तुरंत उस बस्ती का, बस्ती में जाकर एक टीम ले जाकर अभी रैपिड टेस्टिंग है वो टेस्टिंग चालू कर देना चाहिए गवर्नमेंट ने। थर्ड क्वारंटाइन सेंटर की जो बात हो रही, क्वारंटाइन सेंटर में जैसा भीड़ इकट्ठा किए, क्वारंटाइन सेंटर में गवर्नमेंट ने भीड़ इकट्ठा कर लिया। अभी मैंने तो नहीं कहा, लेकिन सबका वक्तव्य अगर आप ध्यान से सुने तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का, स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर सामने आ रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया सभी गवर्नमेंट को, कहां गए वो क्वारंटाइन सेंटर, कहां गए वो कोरोना के कोरोना पेशेंट को रखने के लिए जो कोरोना सेंटर बनाए थे, कहां गए वो, जिसके बहुत बड़े वो प्रशासन ने बड़े बड़े फोटो न्यूज मीडिया में छाप दिए थे, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, हमने आलाना किया, हमने फलाना किया, कहां गए वो सब लोग? वो कुछ भी नहीं दिख रहा ना। अगर हम ये सारी व्यवस्था के साथ में चलते हैं तो ही हम लोग कोरोना पे ये मात दे सकते हैं। अभी जो पेशेंट मिल रहे वो कोई झुंड में झुंड वाले नहीं मिल रहे, ज्यादातर माइग्रेंट पेशेंट मिल रहे हैं। अगर उनको इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन अभी कर ले तो आगे चल के हमारा धोखा कम होने वाला है। ये सारी चीजें हैं इसमें। देखिए प्रशासन को धोना है तो काफी धो सकते हैं, इतनी सारी चीजें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नहीं की। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले दिन से फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज की बात कही थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने जून से फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज लगा दिया, अभी तो 5 महीने का सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाज फ्री करवा दिया। ये सारी चीजें हैं। पुलिस प्रशासन की जो सख्ती होनी चाहिए, देखिए हर आदमी चोर नहीं होता, कायदा जो बनता है वो गुनहगारों के लिए बनता है, और गुनहगार कितने परसेंट रहते पूरे समाज में? 1-2% गुनहगार रहते हैं। वैसे ही कोरोना में कायदा किन के लिए बना है? ये 1-2% के लिए बना है, जो कोरोना के लिए जो कायदा कानून बना है उसको नहीं पाल रहे उसके लिए बना है। कानून सबके लिए एक बना हुआ है, जो नहीं पालते उनके लिए शिक्षा सजा बनी है। बिल्कुल सजा बनी है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उनके वजह से वो फैल रहा। इसको हम कैसे कहें कि उनकी वजह से नहीं फैल रहा करके? वो सब तो यहाँ पर पुलिस अभी 90% लोग आज भी घर के बाहर नहीं निकल रहे। जो घर के बाहर निकल रहे वो भी अपना सोशल डिस्टेंसिंग पालने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो जो बाहर से आया हुआ आदमी अगर अपने घर में है और उसके परिवार वाले बाहर घूम रहे तो जिम्मेदारी किसकी है? फिर उसके पूरे परिवार के परिवार पर कार्रवाई किसने करना चाहिए? 7 साल के प्रोविजन है कायदे में कि अगर कोई कोरोना का फैलाव करता है, महामारी का फैलाव करता है, तो उसको 7 साल की जेल होने वाली है। ये प्रोविजन है कायदे में। तो कुछ ना कुछ तो कीजिए गवर्नमेंट ने, कुछ ना एक तो भी केस किए गया महाराष्ट्र में कि ऐसा ऐसा आपको कल्प्रिट मिला और आपने उसके ऊपर ये दंड ठोक दिया। छुड़ाना है बाद में देखेंगे, लेकिन जब तक आप उसको इम्प्लाय नहीं करेंगे तब तक पब्लिक में वो कायदे का डर नहीं रहेगा। कोरोना का डर नहीं है लोगों को अभी, कोरोना का डर रहता था तो लोग इतने आराम से घूमते ही नहीं थे। लोगों को अभी है क्वारंटाइन सेंटर का डर। कोरोना हुआ तो चलता क्योंकि रिकवरेबल है, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में जाने के बाद जो असुविधा है उस असुविधा से लोग ज्यादातर दूर परेशान है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने करना चाहिए। अभी लास्ट टाइम मैंने आपके चैनल पे कहा था कि क्यों ना 7-12 हमारा महापोर्टल चालू किया जाए, गवर्नमेंट ने चालू किया, अभी देखिए बोला 7-12 सारे के सारे ऑनलाइन मिल रहे कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट ने पहले दिन से करनी चाहिए तो नहीं की, अभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं है। बस आकर सामने चर्चा करना, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम लॉकडाउन बढ़ाएंगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसे ऐसे नहीं होने वाला, एक्शन इज मस्ट। लेकिन अविनाश जी वो भी कई एग्जिस्टेंस हमारा मुद्दा वही है कि जैसा अभी शंकर जी ने कहा कि मोदी जी ने आके बात करनी चाहिए, चलिए मन की बात हो गई, लेकिन वो जो एग्जिस्टेंस है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का दिख रहा है ना स्टेट गवर्नमेंट का दिख रहा है, एक काफी समय हो गया सर, किसी का भी एग्जिस्टेंस नहीं दिख रहा। ऐसे लग रहा है कि सारी जनता जो है अपने आप में एक खुले वातावरण में घूम रही, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी तक कि कौन रास्ते पे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है। चलिए बात भी अगर हुई होगी, 8 दिन पहले मोदी साहब ने देश को संबोधित किया था, 8 दिन पहले संबोधित किया, ठीक है ना सर, लेकिन ठीक है वो 8 दिन 15 दिन बाद ही आते थे पहले भी, ठीक है, लेकिन उस वो जो बात कही उसका इम्पैक्ट लेवल भी आप देखिए ना, कि चलो पहले इम्पैक्ट लेवल की अगर हम बात करें तो वो इम्पैक्ट लेवल कहीं पे दिख ही नहीं रहा। मैं आपसे वही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चंदू जी को मौका दीजिए ना, इम्प्लीमेंटेशन चंदू जी अभी इस वक्त चर्चा में सहभागी नहीं है, वो चर्चा से हट गए। चलिए हम कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं, क्या स्थिति होनी चाहिए, कैसे हम लोग इस पर कैसे आंकड़े को रोकें?
शब्बीर जी चलो आपसे शुरुआत करते, कैसे आंकड़े को रोका जाए? आंकड़ा रोकना जनता के हाथ में है, शासन प्रशासन मैंने इन्होंने कह दिया देश में बहुत से कानून बने हैं, कानून के डर से हत्याएं नहीं रुक गई, लोग नहीं मान रहे ना सर, ब्लैकमेल नहीं रुक गया, तो लोग नहीं, जागरूकता से लोगों को अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए और लोगों को लोगों की जान की चिंता करनी चाहिए अपने जान के साथ साथ, तब जाकर के हम कुछ कर पाएंगे। जी आरिज जी आपसे जानना चाहूंगा सर, कैसे कैसे हम इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, या तो जी ले कोरोना के साथ में बगैर डरे? कोरोना के साथ भी जी लेते हैं, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है ना, ये जीने नहीं देगा, ये मार देगा पक्का। हाँ, और जैसे कि हम लोगों ने बात की थी, कहीं ना कहीं तो मॉर्टेलिटी रेट भी कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा है, कहीं ना कहीं मौत के आंकड़े भी बढ़ा रहे और डरा भी रहे हैं। बढ़ ही रहा है, वो अपरिपक्व लॉकडाउन रहा, जब लॉकडाउन अनलॉक होने के बाद भी बढ़ता गया, खैर वो छोड़िए अभी, लेकिन प्रशासन को चाहिए कि जो समाज पे सोसाइटी में जो एक वजन रखते हैं और लोक प्रतिनिधि है जो सक्रिय है, सबको साथ में लेके, हमारे यवतमाल में भी वो प्रयोग हो रहे हैं, शायद आपके नागपुर में हो रहे होंगे, सबको साथ में लेके, सबको कॉन्फिडेंस में लेके, ये सोशल डिस्टेंसिंग जो फिजिकल डिस्टेंसिंग कहा जाए, इसको मेंटेन करते हुए और कुछ समय निकाले तो शायद ही शायद इसमें कोई सोल्यूशन निकल सके, ऐसे तो फिर भगवान भरोसे ही है सब। ऐसे फिर से लॉकडाउन की संभावना है क्या? लॉकडाउन ही अब एकमात्र उपाय बचा है? पूना में हो गया, कई जगह में लॉकडाउन महाराष्ट्र में घोषित हो गया, एकमात्र उपाय तो नहीं पर प्रभावी उपाय है ऐसा मेरा मानना है, लॉकडाउन से तो फर्क पड़ता ही है। अविनाश जी चलते चलते आप क्या टिप्पणी करेंगे लॉकडाउन के ऊपर में? नहीं, अगर इस तरीके से बढ़ता रहा तो एक लॉकडाउन बहुत जरूरी रहेगा, पब्लिक ने भी अब संभल जाने को ना, पब्लिक ने भी थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने को ना, और जो ओरिजिनल लॉकडाउन में जिस तरीके से पब्लिक ने अपने आप को कंट्रोल किया था, उस तरीके से पहले लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, पहले लॉकडाउन में, दूसरा प्रशासन ने भी वो चुस्ती से काम करने को ना, देखिए मेरे मैंने कभी गलत नहीं कहा, आरिफ साहब हो या शब्बीर भाई हो चंदू जी हो, इन्होंने क्या कहा है कि प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जिम्मेदारी निभाने वाला प्रशासन कौन है? तो लोकल अथॉरिटी किसके पास है? तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। हम यही कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी, उन्होंने ठीक से अगर ये कंट्रोल नहीं किया तो ये बढ़ते जाएगा। सेंट्रल वाले आकर यहाँ पर सर्विस नहीं देने वाले, सर्विस लोकल अथॉरिटी वाले देने वाले। अविनाश सर इसमें फिर ये मुद्दा ना भटकते जाएगा, फिर इसमें ये होता है कि ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर जनप्रतिनिधियों के ऊपर? नहीं नहीं, देखिए दोनों चीज, जनप्रतिनिधियों को कहा विश्वास में लिया जा रहा है, लिया ही नहीं जा रहा, जनप्रतिनिधियों को जानकारी भी नहीं दी जा रही कि हम क्या कर रहे हैं, हम मतलब मेरे प्रभाग में अगर पेशेंट निकलता है, मैं नगर सेवक हूँ, तो मुझे पेपर के न्यूज पेपर के माध्यम से मालूम होता है कि मेरे प्रभाग में पेशेंट निकला, लेकिन अगर वही वहां के अधिकारी मुझे अगर फोन करके बताते कि भैया यहाँ पर पेशेंट निकला है, पब्लिक को बताइए, मैं कंट्रोल करूंगा ना, तो ये सभी जनप्रतिनिधियों को तो इन्वॉल्व ही नहीं किया जा रहा है इन सब। तो अब जो लॉकडाउन होना है, तो नागपुर की अगर मैं बात करूं तो नागपुर में तो महापौर साहब ने भी जो आयुक्त है उनसे गुहार लगाई थी कि अगर आप लॉकडाउन करते हो तो सभी जनप्रतिनिधियों को आपने साथ में लेना है और उसके बाद में कुछ ऐसा करना चाहिए कि प्रभाग में जाकर चर्चा करने के बाद ही लॉकडाउन का निर्णय लेना चाहिए। हालांकि लॉकडाउन होना चाहिए, अब ये आम थाना या लोगों में भी असमंजस की स्थिति है कि लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, लेकिन ये खैर अभी इस वक्त तो ये सारी अटकली है। मैं इस चर्चा को फिलहाल यही विराम देना चाहूंगा, इसलिए भी विराम देना चाहूंगा कि ये चर्चा का दौर इस पर खत्म नहीं होता, ना इस पर कोई सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। सोल्यूशन सिर्फ ये है कि हम जो डिसिप्लिन में है वो डिसिप्लिन में रहें और इस कोरोना की महामारी से बचने के लिए खुद को हम अगर एक दूसरे से विलगीकरण, सेल्फ क्वारंटाइन रहे, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो गाइडलाइंस दी है उस गाइडलाइन की बात अगर हम करें, वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक इंटरनेशनल न्यूज के तहत जो है भारत की अगर हम देखें तो पहले 1 लाख तक पहुंचने में हमें 110 दिन लग गए, उसके बाद में 1 लाख से लेकर 5 लाख तक पहुंचने में हमें 39 दिन लग गए, लेकिन 5 लाख से लेकर आगे बढ़ने में 3 से 4 दिनों में ही 1-1 लाख का आंकड़ा जो बढ़ता गया, ये आंकड़ा कहीं ना कहीं हमें डरा रहा है। ये डरने की बात इसलिए भी है क्योंकि हर एक आदमी की, हर एक इंसान की, हर एक नागरिक की इम्यूनिटी सही नहीं होती, ये एक खतरे की घंटी है और इससे अगर बचना है तो ये सब हमें एकजुट होकर एज अ नेशनल टीम बनकर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या नागरिक हो, इन तीनों का समन्वय अगर हो तभी इस कोरोना के COVID-19 के पैंडेमिक महामारी से हम लोग जूझ सकते हैं और इसके साथ में जीने की आदत भी डाल सकते हैं, वो तब जब हम अपने आप को इससे सुरक्षित रखने की हम कोशिश करें। मैं तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करता हूँ, अविनाश जी, आरिज जी और
शब्बीर जी आपका भी, चंदू सर भी हमारे साथ में थे, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और इस वक्त इस चर्चा को मैं विराम देता हूँ।